हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक पेंसिल केस हॉल। जो चार पांच पेंसिल केसेस मैंने खरीदे हैं, जिसमें कुछ सस्ते हैं कुछ महंगे हैं, तो वही मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो ये है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो फर्स्ट जो है ये बहुत ही क्यूट सा पेंसिल पाउच है, जो कि बहुत महंगा नहीं है और सिंगल कंपार्टमेंट है इसमें, और अंदर लाइनिंग वगैरह इसमें कुछ नहीं लगी। ये 20 रुपीज़ का है। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और इसमें जितने भी पाउचेस थे वो सब सेम थे, बस ये जो डिजिट्स लिखे हैं ये इधर उधर फर्क थे। बाकी कलर ब्लैक, बैकग्राउंड ब्लैक ही था और लिखा इसी तरीके से था, बस ये कि यहाँ 6 है किसी में यहाँ 6 था, इस तरीके से बस अलग था। सिंगल कंपार्टमेंट का है। तो एक ये है, ये आप अगर कम कलर पेंस वगैरह रखना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, और अगर कम सामान लेके चलते हैं पेंसिल केस में तो सिंगल कंपार्टमेंट ये अच्छा है। इसको मैंने कुछ दिन अपने यूज़ किया है, मैंने टेक पाउच की तरह यूज़ किया, लेकिन मुझे सुटेबल नहीं लगा इसलिए मैंने इसको खाली कर दिया। टेक पाउच के लिए ये थोड़ा बड़ा पड़ रहा था, इतना सामान मैं टेक का नहीं लेके चलती हूँ। बहुत पावर बैंक, पेन ड्राइव और चार्जर, लीड, डाटा केबल, बस इतना ही रहता है। ये बड़ा था इसलिए मैंने इसको उस पर्पज से हटा दिया। नेक्स्ट जो था वो ये 2 कंपार्टमेंट पाउच है, वाइट है और ये ट्रांसपेरेंट है। ये अभी ये 25 रुपीज़ का है, और इसको मैंने यूज़ किया है, आपको न्यू भी नहीं दिखा रही हूँ, यूज़ कर लिया था मैंने, और ताकि यूज़ करने के बाद थोड़ा पता चल जाता है क्या दिक्कत है इसमें। तो बाकी सब चीज़ें सही है, ट्रांसपेरेंट हैं और कुछ भी आप रखेंगे दिखेगा, वो सब चीज़ें सही हैं। लेकिन जो इसके बीच की लाइनिंग है ये वाली, ये बहुत ही लाइट दी हुई है, बहुत ही लाइट और बहुत बेकार सी लाइनिंग है। तो 25 रुपीज़ का है तो बहुत ज़्यादा आप उम्मीद नहीं, और 2 कंपार्टमेंट है, PVC ट्रांसपेरेंट है, और इसकी अगर चौड़ान देखें तो इतनी है। तो ये उस पर्पज से, अगर आप ट्रांसपेरेंट पाउच टॉयलेटरी वगैरह के लिए छोटा लेके चलना चाहते हैं तो ये सही है, बाकी पेंसिल पाउच मुझे नहीं अच्छा लगा। नेक्स्ट है ये वाला। इस क्वालिटी का पाउच मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी और फाइनली मुझे मिल गया। ये सारे पेस्टल शेड्स का है ये इसमें, और इसकी कॉस्ट है 160 का मुझे मिला है। सिंगल कंपार्टमेंट है इसमें, मैं खोलकर दिखा दे रही हूँ। बहुत मैट फिनिश है इसकी, छोटा सा पाउच है ये, देखिए हाथ थोड़ा सा बड़ा होगा, मीन्स 9 इंचेस के करीब इसकी जो जिप होगी, 8 इंचेस की जिप है इसकी, और अंदर कोई लाइनिंग नहीं है। लेकिन 160 का पाउच है और लाइनिंग नहीं है, ये लाइनिंग मस्त है, लेकिन इसकी और नीचे बेस इतना है। और इस तरह का छोटा पाउच मैं ढूंढ रही थी काफी दिन से, कि इस तरह का थोड़ा, ताकि मैं अपनी पेंसिल मिनिमाइज कर सकूं अपना पेंसिल केस, तो उसके लिए बेस्ट है। और ये इस तरह की पैकिंग में मिला है, और इस तरह की पैकिंग मुझे सही लगती है, क्योंकि जैसे आप यूज़ करो, यूज़ करने के बाद में वापस इसमें रख दो तो ये आपका केस जो है ख़राब नहीं होता, वरना खुले पड़े पड़े वो ख़राब हो जाता है रगड़ खा खा के, जो रश उसमें जो घिसने से जो स्क्रैचेस आ जाते हैं वो ख़राब लगते हैं। तो इसमें ये अच्छा है कि इस तरह की पैकिंग में आप यूज़ करो, यूज़ करने के बाद वापस इसी में रख दो तो ये सेफ रहते हैं। नेक्स्ट जो पाउच है, मैंने ये ख़रीदा है, ये है 350 का पाउच, और ये इस तरह की पैकिंग में मिला है, और ये ऑनलाइन आपको बहुत इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा आप चाहेंगे तो। मैंने ऑनलाइन नहीं लिया, मैंने ऑफलाइन ही लिया है, बट अगर आप ऑनलाइन लेना चाहेंगे तो आपको आराम से ये अवेलेबल है। तो ये ऐसे फॉल टाइप का है, यहाँ पे आगे यहाँ पे इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, इसमें लिखा है प्ले विद, और ये कुछ लिक्विड टाइप का इसके अंदर भरा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, और होलोग्राफिक टाइप की इसकी ये जो मटेरियल है, जिप है इसमें ये, और एक मोटर दिया हुआ है, जो कि आप मैंने तो इसका यूज भी सोच लिया है कि मैं इसको उसके लिए यूज करूँ, पड़ती है उसके लिए यूज हो जाएगा।